तो दोस्तों काफ़ी हद तक मैंने बिलासपुर जो यहाँ पे निकाल दिया, जैसे आप देख सकते हो। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू डूइंग वेल। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अपना आज अपनी शोगन का ग्लास उल चेंज करने वाले हैं चेंबर के अंदर, अभी मजा आएगा ना वीडियो से। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से ग्लास उल चेंज कर दें। तो उस साइड है चेंबर, तो चलते हैं उस साइड। तो फ्रेंड्स ये रहे अपनी सुजुकी शोगन और है ये रहा इसका चेंबर। तो आपको दिखाता हूँ अभी अपना चेंबर। तो ये रहा अपना इस तरह से चेंबर। तो ये रहा चेंबर का मुंह। तो स्प्रिंग को निकालेंगे और इसके अंदर का ग्लास उल निकाल के बताऊंगा कि वो ग्लास उल किस तरह से हो गया, ठीक है। तो कब ग्लास उल ख़त्म हो जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक और बहुत अच्छा साउंड भी आएगा। इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी साउंड की, तो उसमें आपने साउंड सुन लिया होगा, तो ठीक है। नहीं सुना तो जाके देखिए, उसमें साउंड सुनिए, फिर इस वीडियो में आइए, फिर इस ग्लासफुल का चेंज किया हुआ साउंड सुनिए तो कितना फ़र्क लगेगा बताइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं अपने चेंबर का स्प्रिंग निकालता हूँ और उसके अंदर का पूरा ग्लासफुल निकालता हूँ। देखिए किस तरह से होता है ग्लासफुल ख़राब हुआ वाला। तो आप देख सकते हो ग्लास उल की हालत पूरा जो है ब्लैक हो चुका है। और आपको अभी जो ग्लास उल नया वाला रहता है वो दिखाता हूँ किस तरह से होता है। तो ये रहा अपना ग्लास उल, ये देखिए इसकी कंडीशन इस तरह से होती है वाइट, और जैसे आपने चेंबर में दिखाया वो हो गया पूरा ब्लैक। तो उसको निकालेंगे, नया वाला लगाएंगे और हम उसमें ऐड करेंगे अपना स्प्रिंग वाला है जो इस तरह से छोटे मिलते हैं, ये भी हम उसमें डालेंगे। किस तरह से डालना है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मालूम पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी हद तक मैंने ग्लास उल जो यहाँ पे निकाल दिया, जैसे आप देख सकते हो। तो अभी कुछ थोड़ा बाकी है इसमें का, तो थोड़ा बाइक स्टार्ट करके एक बार देखते हैं कि थोड़ा उसमें से। तो ये रहा अपना निकाला वाला ग्लास उल, तो ठीक है इतना सारा निकला है तो उसको फेंक देते हैं कटर के अंदर या डस्टबिन के अंदर फेंक देंगे, ठीक है। ढीला हो गया तो अच्छा रहेगा। बाइक में स्टार्ट करता हूँ, इंजॉय कीजिए थोड़ा विदाउट ग्लास उल वाला साउंड।
फ्रेंड्स जिस तरह आपने देखा कि मैं उसमें एयर मार दिया ताकि थोड़ा कचरा था वो भी निकल गया, तो काफ़ी हद तक मैंने लहसुन निकाल लिया। तो चलिए अभी इसमें बिठाते हैं हिलने वाला लहसुन और इसको कैसे बिठा दें वो भी इस वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स लेके मैं आपको बताता हूँ, तो कुछ इस तरीके का रहता है ये, तो इसको छोड़ देंगे पहले, और छोड़ने के बाद कुछ इस तरह से देखिए बीच में से गैप भी रहता है, इस तरह से अंदर डालेंगे, फिर इसके बाद लहसुन डालेंगे, फिर एक ऐसे फिर से ऐसा एक डालेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा लहसुन, फिर ऐसा एक डाल के चार स्टेप में डालेंगे, ठीक है। तो एक के बाद एक ये रहेगा, फिर लहसुन रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर लहसुन, ऐसे चार स्टेप बनाएंगे। तो आप देखते रहिए मैं कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले हम इस वाले को अंदर डालते हैं, तो इस तरह के तो ये वाला पूरा अंदर चला गया। अब इसे कि मैं पूरा इसे अंदर ढकेल दूँ इस तरीके से, चला गया। उसके बाद हम लेंगे लहसुन, तो लहसुन देखिए मैं यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस तरीके से रोल करना है और ऐसे डालना है। देख रहे हो इस तरीके से रोल करके फिर थोड़ा 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 अंदर डालते जाइए, ओके। फिर इससे प्रेस करिए हल्के से, ज़्यादा दबा के भरेंगे तो साउंड ही कम आएगा, तो नॉर्मल भरना है वो, अपने साउंड चाहिए। अगर आपको साउंड कम चाहिए और पावर भी चाहिए तो आप ज़्यादा ग्लास भर सकते हो दबा के एकदम। तो लास्ट वाला डालेंगे लहसुन का, फिर इसके बाद इस वाले छोटे को डालेंगे। तो अब इस वाले लहसुन को डाल देते हैं अपने
इसके साथ, क्योंकि फिर से काम आएगा जब लगेगा। तो इसका काम हो गया, साइड को रख दो इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा ग्लासूल मैंने भर दिया है, ठीक है। किस तरह से भर आपको पता चल गया होगा। तब इसका लगाता हूँ ढक्कन, फिर आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा साउंड। तो ये रहा इसका ढक्कन, इसको थोड़ा पोंछ लेते हैं। तो चलिए बिठा दो। ढक्कन भी लग गया, अब लगाते हैं स्प्रिंग। एक लग गया होता समय से, ये थोड़ा तकलीफ दे सकती है बताने। लगा दिए, अब बारी आती है साउंड चेक कराने की। चेक कीजिए साउंड को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फ्रेंड्स, बगैर ग्लासफुल का साउंड तो आपने सुन लिया, अब सुनिए न्यू ग्लासफुल के साथ साउंड।